पति की मौत के बाद दो बेटों को भी खोया मगर हिम्मत नहीं हारी। कौन है देश की होने वाली राष्ट्रपति? भारत की भावी राष्ट्रपति की क्यों हो रही है दुनिया में चर्चा? आखिर दान की है, दो बेटों और पति को खोया। ऐसी है द्रौपदी मुर्मू की कहानी, जो अगर सब कुछ ठीक रहा तो फिर द्रौपदी मुर्मू देश की अगली राष्ट्रपति होंगी। तभी तो जैसे ही उन्हें राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार घोषित किया गया तो उनका ये ट्वीट आया, जिसमें वो कहती हैं कि आभार और धन्यवाद यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी मुझे राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाने के लिए। तो क्या कहानी है द्रौपदी मुर्मू की? आखिर क्यों चर्चा हो रही है उनके संघर्ष की? कैसे बनी वो आज देश के लिए एक मिसाल? हर सवाल का जवाब देंगे आपको, मगर सबसे पहले उनकी जो भारत के लोकतंत्र की ताकत को सबसे अब तक नहीं समझ पाए हैं, जो सवाल उठाते थे, जिन्हें शक होता था कि हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था पर आज एक फैसले ने उन सभी की बोलती बंद कर दी है। क्योंकि राष्ट्रपति चुनाव को लेकर तय किया गया कि आदिवासी समाज से आने वाली द्रौपदी मुर्मू का नाम शामिल होगा, जिनका राष्ट्रपति बनना लगभग तय माना जा रहा है। चलिए अब हम आपको समझाते हैं कि भारत की संभावित राष्ट्रपति की कुछ ऐसी बातें जिन्हें सुनकर आप भी चयन करने पर मुहर लगा देंगे। इनकी आंखों में दर्द से लेकर सफलता तक का रास्ता छुपा हुआ है। तभी तो पहले पति की बीमारी के चलते मौत हो गई, फिर दो जवान लड़कों को खो दिया। जीवन में दुख के बादल छाए मगर हिम्मत नहीं हारी। आर्थिक तंगी से जूझ रही इस महिला ने अपने आप से ज्यादा प्रेम देश से किया और बच्चों को मुफ्त में शिक्षा बांटने लगी और देश सेवा का रास्ता चुना, जिसके बाद 1977 में शुद्ध राजनीति में उतर आई। राजनीति के साथ साथ पढ़ाती भी रही। उन्होंने ओडिशा के रेरंगपुर के श्री अरविंदा एजुकेशन सेंटर में बिना वेतन के पढ़ाना शुरू कर दिया। कहां से शुरू हुआ उनका राजनीतिक सफर? उन्होंने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत रेरंगपुर एनएससी के वाइस चेयरमैन से की। ओडिशा विधानसभा चुनाव 2007 में भारी बहुमत से चुनाव जीता। इन्हें सर्वश्रेष्ठ विधायक के रूप में नीलकंठ अवार्ड से सम्मानित किया गया। धीरे धीरे इनका राजनीतिक सफर आगे बढ़ा और ये ट्रांसपोर्ट वाणिज्य के साथ साथ कई मंत्रालयों को संभालने लगी। आइए जान लेते हैं उस समाज के बारे में जिसमें आती है देश की अगली राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। भारत में कुल 8.6% यानी कि 10 करोड़ के आसपास आदिवासी जनसंख्या है, लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि भारत में सिख समाज की आबादी 1.07% है। फिर भी कई बार देश में सिख समाज के कई बड़े नेता देश में बड़े बड़े पदों पर आसीन हो चुके हैं, लेकिन मोदी सरकार यानी एनडीए ने देश के पहले नागरिक के रूप में एक ऐसा चेहरा चुना है जिसको सच में देश की मुख्य धारा से जुड़ने की जरूरत है। अब यह फैसला मोदी के हर एक फैसले की तरह दुनिया को संदेश भी दे रहा है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी टीम पर भरोसा जताते हैं और ऐसा ही कुछ हुआ द्रौपदी मुर्मू के साथ। सवाल ये है कि आखिर क्यों द्रौपदी मुर्मू बनी सबकी पसंद? तो सुनिए, उन्हें ओडिशा का राज्यपाल बनाया गया। उन्होंने वहां की तख्ता पलट वाली राजनीति में भी अपनी जगह बना ली और अपना 5 साल का कार्यकाल भी पूरा किया। द्रौपदी मुर्मू का हर पद पर बिना विवादों वाला कार्यकाल रहा। देश की पहली आदिवासी महिला राज्यपाल होने का गौरव भी पहले ही उन्हें प्राप्त है। झारखंड में राज्यपाल के तौर पर कुल 6 साल 1 महीने तक 18 दिन से ज्यादा उन्होंने कार्यकाल निर्विवाद उन्होंने अपना अपनाया है। राज्य के प्रथम नागरिक और विश्वविद्यालयों की कुल अधिपति के रूप में उन्होंने अपनी पारी यादगार रखी है। फैसले के पीछे की वजह, द्रौपदी मुर्मू के नाम का ऐलान कर एक तरफ पार्टी ने आदिवासियों को साधने का काम किया है, तो वहीं दूसरी तरफ महिला सशक्तिकरण को लेकर भी बड़ी लकीर खींचती है। इससे पहले भी बीजेपी ने कई ऐसे मौकों पर एक्सपेरिमेंट्स किए हैं। फिर चाहे निर्मला सीतारमण को देख ले, जो कि देश की पूर्णकालिक रक्षा मंत्रालय का पदभार संभालने वाली रक्षा मंत्री बनाई गई थी, या फिर दलित नेता रामनाथ कोविंद को राष्ट्रपति बनाने की पहल करना हो। ऐसे में एक बार फिर बीजेपी इसी दिशा में आगे बढ़ती हुई दिख रही है। एक तरफ पूरे पूर्वी भारत को साधने की तैयारी है, तो वहीं दूसरी तरफ आगामी चुनावों को देखते हुए आदिवासी कार्ड भी खेला गया है। इतना ही नहीं, 18 मई 2015 को झारखंड की राज्यपाल के रूप में शपथ लेने के पहले द्रौपदी मुर्मू ओडिशा में 2 बार विधायक और 1 बार राज्य मंत्री के रूप में काम कर चुकी है।
झारखंड के जनजातीय मामलों, शिक्षा मामलों, कानून व्यवस्था, स्वास्थ्य से जुड़े मुद्दों पर वो हमेशा सजग रही। कई मौकों पर उन्होंने राज्य सरकारों के निर्णयों में संवैधानिक गरिमा और शालीनता के साथ हस्तक्षेप किया। उन्होंने 2016 में राज्य के उच्च शिक्षा से जुड़े मुद्दों पर खुद लोक अदालत लगाई थी, जिसमें विश्वविद्यालय शिक्षकों और कर्मचारियों के लगभग 5000 मामलों का निपटारा हुआ था। यकीनन अब उनका राष्ट्रपति बनना आजाद भारत के इतिहास में अपने आप में एक बड़ा पड़ाव साबित हो सकता है। लेकिन आपको बता दें कि उनका नाम जब से ही सामने आया है, लगातार उनके नाम को लेकर ये कयास लगाए जा रहे हैं कि वो भारत में अगली आदिवासी राष्ट्रपति होगी। और साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि उनके नाम के आगे सबसे ज्यादा तेजी से मुहर लगती हुई नजर आ रही है। इस खबर के सामने आने के बाद से ही लगातार मोदी सरकार के इस फैसले को लेकर लोग तारीफें करते हुए नजर आ रहे हैं। अब देखते बनेगा कि अगर देश की पहली राष्ट्रपति एक महिला आदिवासी होगी तो किस तरह की स्थिति बनेगी और इससे आदिवासी वर्ग में क्या संदेश पहुंचेगा। न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।